नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया तक और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो मुद्दा पिछले 8 दिनों से खबरों में छाया हुआ है। पिछले 8 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और इस जंग का प्रमुख कारण है हमास द्वारा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, वह इसराइल पर हमला कर देता है 7 अक्टूबर को। ये वो दिन होता है जब पूरे के पूरा यहूदी समाज इसराइल में अपना पवित्र दिन सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसके कारण वो अलग अलग कार्यक्रमों में बिजी होते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर हमास इसराइली लोगों पर, यहूदी लोगों पर आक्रमण कर देता है। तो ये पूरी की पूरी घटना जो अचानक दिख रही है, क्या वाकई में अचानक घटित हुई है या इसके पीछे कुछ और कारण है? इसका भारत और इजराइल के संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? भारत ने इजराइल के पक्ष में क्यों बयान दिया है? तुर्की से चीखें क्यों निकल रही है? इवन हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये सब आज हम डिस्कस करेंगे और इन सब के कारण मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं एक साथ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने का काम भी कीजिए, यानी कि इसको शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे एनालिटिकल डिस्कशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जहां तक इजराइल और फिलिस्तीन की बात है, ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, आपको लग रहा होगा कि ऐसे आज ही अचानक हो गया, ऐसे नहीं। इसका एक इतिहास है, इसका एक बैकग्राउंड है। दरअसल जिस लैंड के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं वहां पर पहले यहूदी रहते थे और जिस पवित्र स्थान पर यहूदी रहते थे उसको यरूशलम कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब इस्लाम का उदय हुआ तब उस पूरे के पूरे भूमि पर, जो आप देख रहे हैं इस समय अपने मानचित्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पे अरबों का साम्राज्य स्थापित होता गया। पहले रोमन साम्राज्य था, वहां जब यहूदियों पर अत्याचार किए गए तो वहां से यहूदी फिर यूरोप में चले गए और जो बचे कुचे थे वो यरूशलम में थे। उसके बाद जब अरब साम्राज्य आया और उसके एक नेता के रूप में तुर्की उभरा ओटोमन साम्राज्य के रूप में, तब वहां पर यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए। लेकिन अत्याचार की पराकाष्ठा वापस यूरोप में तब यहूदियों पर हुई जब वहां हिटलर जो है जर्मनी का शासक बनता है। और जब हिटलर बना जर्मनी का शासक तो उसने यहूदियों को खुलेआम उन पर अत्याचार किए और उनके महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ जिस तरीके का बुरा बर्ताव किया, वहां से फिर यहूदी वापस यरूशलम की तरफ धीरे धीरे लौटने लगे। लेकिन आपको पता है कि उस समय ऑटोमन साम्राज्य था वहां पर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त होता है और उसके पैरेलल में यहूदी वहां पर आते हैं और बसना शुरू करते हैं। तो 1920 से लेकर 1940 तक क्या है, यहूदी यरूशलम में आकर बसना वापस शुरू करते हैं और यहीं से फिर यहूदियों के बीच में और अरबों के बीच में, यानी कि मुसलमान और यहूदियों के बीच में एक तनाव भरी स्थिति पैदा होने लगती है और यह चरम पर पहुंचती है जब हिटलर यहूदियों पर अपने अत्याचार करने शुरू कर देता है। क्योंकि 1940 के आसपास बहुत भारी संख्या में यहूदी यरूशलम आते हैं और यहाँ अब वो आकर देखते हैं कि यहाँ पर अरबी लोग रह रहे हैं, मुस्लिम लोग रह रहे हैं, जो तो उनके मन में ख्याल आता है कि ऐसे तो हमारा जो मातृभूमि है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो वो अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं और उस राष्ट्र का नाम वो बताते हैं इजराइल। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस पूरी के पूरी भूमि पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। जो आज इजराइल और फिलिस्तीन की भूमि है, ये पूरी पूरी लैंड इजराइल के कब्जे में ब्रिटेन के कब्जे में आ जाती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद
जब ये टेंशन बढ़ती है यहूदियों के बीच में और मुसलमानों के बीच में, तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है 1945 में, उससे पहले राष्ट्र संघ बनता है। तो राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ब्रिटेन को ये कहते हैं, दबाव डालते हैं कि भाई आप इस समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि आप ही वहां पर इस समय शासन कर रहे हैं और ये जो दोनों समुदायों के बीच में इस समय तनाव भरी परिस्थितियां हैं, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन इसमें नाकामयाब रहता है। वहीं दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरता है, तो वह 1947 में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करवाता है और यह घोषणा करवाता है संयुक्त राष्ट्र से कि यहां पर दो राष्ट्र बनेंगे, एक होगा इजराइल और एक होगा फिलिस्तीन। अब इजरायली जो लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, जो अरब साम्राज्य के लोग हैं, वो इसको नकार देते हैं और फिर इनके बीच में एक जंग शुरू होती है। तो यहां आपको ये समझ में आया होगा कि इस पूरी की पूरे जो भूमि को लेकर जो बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं यहां फिलिस्तीन में अरबी लोग रहा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इवन इस्लाम के आने से पहले यहां पर यहूदी लोग रहा करते थे, तो कौन अपनी मातृभूमि को अब छोड़ना चाहेगा। अब जब अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में हमारी सनातनी संस्कृति जो है 5000 वर्ष पुरानी है। अब आज भले ही पाकिस्तान ये कहे कि यहाँ हमारा शासन होना चाहिए कश्मीर पे, तो वो बात जायज नहीं है। हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको भी देखा जाता है। जब भूमि का मसला खड़ा होता है, उत्तराधिकार का जब मसला खड़ा होता है, तब सालों दर सालों की जो पीढ़ियां हैं वहां क्या रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो अब जब ये पूरा का पूरा मसला संयुक्त राष्ट्र ने इसको शांत करने की कोशिश की, टू स्टेट सॉल्यूशन बताया, फिलिस्तीनियों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और फिर इजरायलियों के ऊपर कई युद्ध थोपे। 1947 में युद्ध हुआ, 1956 में क्या हुआ, एक और मसला क्रिएट हो गया। अब जब इजराइल में लोग रहने लगे और इजराइल ने 14 मई 1948 को घोषणा कर दी फाइनली अपने देश बनाने की, तो 1956 में क्या हुआ, मिस्र ने स्वेज नहर, जो आप अभी ये मानचित्र में देख रहे हैं, इस स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो व्यापार होता था उस व्यापार पर पूरा मिस्र का कब्जा हो गया, और इस कब्जे के कारण जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है, तो ये क्या करने लगा, इजराइल को परेशान करने लगा। इजराइल इससे नाराज, क्योंकि जब व्यापार ही नहीं होगा, अर्थव्यवस्था ही नहीं चलेगी, पैसा ही नहीं होगा, तो खाने पीने का सामान कहां से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होगी, रिसर्च कहां से होगा, क्योंकि सबके लिए पैसा लगता है। तो इजराइल को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, परिस्थितियां और बदतर होती गई। 1967 में आके ये परिस्थितियां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं और इस समय मिस्र जो है एक जॉर्डन के साथ सैन्य एग्रीमेंट कर लेता है। जैसे ही ये एग्रीमेंट होता है, तो इजराइल और जो अरब देश हैं, जिसमें मुख्यतः इजिप्ट है, मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, इन देशों के साथ 6 दिन की लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई छिड़ती है तब ये पता नहीं होता कितने दिन छिड़ेगी, लेकिन इजराइल इन देशों को 6 दिन में नेस्त नाबूद कर देता है, हरा देता है। अब आप सोचिए, एक देश जिसकी पॉपुलेशन आज 1 करोड़ है, उस समय कम रही होगी, 6 दिन के अंदर इन देशों को धूल चटा देता है। कैसे, उसकी लड़ाई की तकनीक, उसकी जो लड़ाई लड़ने की कला है उसकी वजह से, उसके जो जिगरा है, जो है ना बड़ा दिल है, उसकी वजह से, जो साहस है, जो करेज है यहूदी लोगों, उसकी वजह से ये लोग कामयाब हो जाते हैं। और उस 6 दिन की लड़ाई में सीरिया से ये गोलन हाइट ले लेता है इजराइल, मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, ये जो मैप में देख रहे हैं आप, ये भूभाग ले लेता है, जॉर्डन से वेस्ट बैंक वो ले लेता है, ठीक है, ये सारा का सारा इतना पूरा भूभाग इन देशों से इजराइल ले लेता है और 6 दिन में ये लड़ाई खत्म हो जाती है। अब ये 6 दिन की लड़ाई खत्म हो गई, तो ये अरबी देश क्या हो गए, आग बबूला हो गए, और
इसका बदला लेने के लिए। अब आप ये देखिए, जो लड़ाई होती है और जो देश परास्त होता है वो कभी शांत नहीं बैठता है। जैसे 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई और जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उस दिन से पाकिस्तान हिंदुस्तान को किस तरीके से उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको रोका जाए, वहां के लोगों को कत्लेआम किया जाए, उसमें लगा हुआ है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान के लिए और उसका बदला वो आज भी लेना चाहता है, और उसी का परिणाम है कि वो प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। भले उसके पास, उसके लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है, लेकिन उनके जहन में यह है कि हिंदुस्तान को कैसे कमजोर किया जाए। तो इस मानसिकता को हमें समझना होगा। इसराइल तो समझ चुका है, तभी तो ऐसा रिस्पॉन्स आया है, हम नहीं समझे हैं अभी तक। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगते हैं। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था कश्मीर में, जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, तब भी हमारे यहाँ कुछ लोगों ने उनके समर्थन में अपनी आवाजें उठाई थी। हमें ये समझना होगा कि ये जो जहर पाकिस्तान के लोगों के दिल में है, वैसा ही जहर हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, कुछ एक तबका है ना, उसके कुछ लोग हैं, उनके जहन में भी ये जहर घुला हुआ है। और इसका एक ही इलाज है, जिस तरीके से इजराइल उस समय, इस समय हमास के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, जो ट्रीटमेंट हमास का हो रहा है, वही ट्रीटमेंट हमें ना केवल पाकिस्तान का करना है, बल्कि यहाँ जो पाकिस्तान परस्त लोग बैठे हैं हिंदुस्तान में, उनका भी ऐसा ही ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। आपने देखा कश्मीर में किस तरीके से ठुकाई हो रही है पिछले 4 सालों से, जब से ये आर्टिकल 370 हटा, यही ट्रीटमेंट ऑल ओवर इंडिया में करने की जरूरत है। तभी ये लोग, ये जहर घोल रहे हमारी समाज में, यह इसको हम रोक पाएंगे। तो आते हैं वापस जो इस समय मुद्दा चल रहा है। अब ये आप ये देखिए, 1967 इजराइल जीत जाता है, तब से ये अब इसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, 1973 में इस हार का बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक होता है। कब होता है? 6 अक्टूबर को। यह वो पवित्र दिन होता है जब इजरायली अपना जो धार्मिक रस्म है उसको पूरी करने के बाद उसका जश्न मनाते हैं, अपने जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें बिजी रहते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और पूरी तरीके से सेलिब्रेशन का टाइम होता है इजराइल में। और उसी समय इजराइल के ऊपर अटैक होता है, और इसी को कहते हैं यौम कीपुर की लड़ाई। यौम कीपुर की लड़ाई कब होती है? 6 अक्टूबर के दिन होती है 1973 में। और इस समय जो अटैक हुआ है, हमास ने जो अटैक किया है, वो भी 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के दरमियानी समय में किया है, जब इजरायली लोग अपनी छुट्टियां मनाते हैं। पूरा का पूरा यहूदी समाज इस समय इजरायल में छुट्टियों पर होता है, कोई काम धंधा नहीं होता, ये अपना पूरा एंजॉय करते हैं। और इसी उनके जो एंजॉय करने का टाइम था, उसमें खलल डाली है हमास नाम के एक आतंकवादी संगठन ने, जो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। ठीक है, इजराइल इसमें भी बहुत पुरजोर तरीके से जवाब देता है। ठीक है, जो इस समय इजराइल जवाब दे रहा है, उस समय भी इजराइल का यही रेस्पॉन्स होता है। लेकिन 1987 में जब हमास का गठन होता है, एक सुन्नी जो आइडियोलॉजी है उसके बेस पे इस हमास नामक संगठन का गठन किया जाता है, ईरान और जो लेबनान है इसको सपोर्ट करते हैं, ताकि जो इजराइल एक दिनों दिन जो एक उनके लिए खतरा बनता जा रहा था, उसको कैसे, उसकी गर्दन को कैसे दबाया जा सके। जिस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की को रोकने के लिए, क्योंकि उसमें खुद में तो लड़ने की क्षमता है नहीं, तो उसने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तमाम हुर्रियत वाले, ये तमाम ऐसे संगठन खड़े कर रखे हैं जो टेररिस्ट गतिविधियों को हिंदुस्तान में अंजाम देते हैं। तो यौम कीपुर की लड़ाई और 1967 की 6 दिन की लड़ाई में, जब ये इजिप्ट और जॉर्डन, सीरिया, तुर्की ये कामयाब नहीं हो पाते हैं, तब ये डिसाइड करते हैं कि फिलिस्तीन में एक ऐसा गुट बनाया जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो रेडिकल हो, जो कट्टरपंथी हो, और जिसको हम अपने तरीके से चला सकें, और इसराइल को हम कैसे भी करके उसको, उसकी शक्ति को बढ़ने से रोक सकें। तो उसके लिए हमास नामक
एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं हिजबुल्ला नाम के एक आतंकवादी संगठन को बना के। तो अब ये फिर लड़ाइयां चलती रहती हैं और जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर चल रही है वैसे ही फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चलती है। 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन समझाइश की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। फिर हमास जो है अपनी गतिविधियों को कम कर देता है और 2005 में इसराइल भी गाजा पट्टी को खाली कर देता है। अब आप देखिए इसराइल कितना बड़ा दिल दिखाता है कि वह किसी भी तरीके से शांति स्थापित हो इस क्षेत्र में और सभी अपनी अपनी तरक्की करें। लेकिन यहां एक चीज समझनी जरूरी है, आतंकवाद जो है ना, जो आतंकवादी संगठन है वो किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है, ये मुस्लिमों के भी सगे नहीं है। पाकिस्तान में देख रहे हो आप आए दिन कैसे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान तो एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश है, मेजोरिटी क्या पूरा मुस्लिम ही है वहां पर। तो जब वो अपने मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं तो वो आपको क्या छोड़ेंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कोई शांति वार्ता टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई हरकत करते हैं उसका जवाब गोला बारूद से दिया जाना चाहिए और उनके जो लीडर्स हैं उनको मारने की कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं हम 2021 पे। 2021 में आपको पता है अमेरिका में ट्रंप सरकार में थे, शासन में थे और ट्रंप साहब ने बड़ी घोषणा करवा दी कि यरूशलम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको मॉनिटर कर रही थी वो इसराइल को सौंप दिया जाएगा। इसराइल को सौंप देते हैं यरूशलम और फिर जो इसराइल है वहां जो भी कट्टरपंथी लोग काम कर रहे थे जो हमास के सपोर्टर थे उनको क्या करता है, जो अल अक्सा मस्जिद है वहां से हटा देता है। इजरायली फोर्स, इजरायली डिफेंस फोर्स IDF वहां घुसती है और एक ऑपरेशन करती है और वहां से सबको साफ कर दिया जाता है। उस दिन से ये लोग बदला लेने की फिराक में थे और इनको मौका 7 अक्टूबर 2023 को मिला और इन्होंने पूरी तरीके से, हमास ने पहले कह रखा था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, हम आर्थिक तरक्की करेंगे वगैरह, ये सारा का सारा जो नैरेटिव था, ये सारी की सारी जो सोच थी जो दिखाई गई पूरी दुनिया को, वह उनकी जो तैयारी चल रही थी उससे ध्यान भटकाने के लिए थी और वो इसमें कामयाब भी हुए। जिस तरीके से इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ, जमीन से, समुद्र से, हवा से, और जो वेपन इन्होंने इस्तेमाल किए, टैंक वगैरह, जो ऑटोमेटिक गन्स इनके पास मिली, और जिस बर्बरता से इन्होंने यहूदी लोगों पर, इसराइल के यहूदियों के साथ अत्याचार किए, उनके बच्चों को पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस से गोली मारी गई, वो ये बताता है कि बड़े लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी और इस पूरी की पूरी प्लानिंग में जो सबसे शामिल है, जो हमास का मिलिट्री कमांडर है मोहम्मद दैफ, ये आदमी इसमें शामिल है। इसकी पूरी की पूरी अटैक की प्लानिंग इसने करी थी। ये आदमी इतना खतरनाक है कि इसको 7 बार इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मारने की कोशिश की लेकिन 2021 में यह 7 बार बचने में कामयाब रहा। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कितनी बर्बरता से इसने इसराइली लोगों के साथ व्यवहार किया, यानी मानवता की सारी हदें इसने पार कर दी। नसंस, बर्बरता, जितने ऐसे वर्ड हुए इसको डिफाइन करने के लिए वो कम पड़ जाएंगे। और इस समय जो इसराइल कर रहा है, अब आप ये देखिए इसमें कई लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएगा। कैसा क्राइसिस आ जाएगा, जब हमास ने इसराइली लोगों के साथ इतनी बर्बरता दिखाई, क्या उस समय ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं आया, तब आप क्यों नहीं बोले? ये सारे के सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन चुप क्यों है? क्या सिर्फ इस विश्व में ह्यूमन राइट्स केवल वामपंथियों के होंगे, केवल जो इस्लामिक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं क्या उनके होंगे? क्या केवल इन्हीं लोगों के ह्यूमन राइट की बात होगी? उन लोगों के ह्यूमन राइट का क्या जो जिनके हाथ में हथियार ही नहीं और जिनको बिना वजह मारा जा रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे जिनको मारा जा रहा है उनका क्या? उन महिलाओं के साथ, उन महिलाओं के ह्यूमन राइट की बात कोई क्यों नहीं करता जिनके साथ इन लोगों ने रेप की?
उन बुजुर्गों के ह्यूमन राइट की बात कोई क्यों नहीं करता? ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये जो लोग सपोर्ट करते हैं अफजल गुरु बुरहान वानी और अब फिलिस्तीन का, ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला 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 ला, अगर धर्म से ही बात करनी है तो कल ये लोग लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट करें तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया जा सकता है, हमास का सपोर्ट किया जा सकता है जो कि यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, तो फिर कल को ये लोग लश्कर ए तैयबा जैश मोहम्मद को भी ओपनली सपोर्ट करेंगे और हिंदुस्तान को यहां से ये बात सीखने की जरूरत है कि जब ये समय आएगा, और आएगा क्योंकि ये लोग 5 अगस्त 2019 के बाद परेशान, जिस तरीके से 2021 के बाद हमास परेशान था कि कैसे इनके लोगों को हटाया गया, वैसे ही 5 अगस्त 2019 से हिंदुस्तान में भी कुछ लोग परेशान हैं कि क्यों और कैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया। आप देख रहे होंगे गाय बगाय ऐसे बयान महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला फैमिली ये सारे देते रहते हैं कि 370 हटा के ना इंसाफी की, हमारा जो रिश्ता था वो तोड़ दिया। तो ऐसे लोग हैं और आज नहीं तो कल इसका रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए हमें अपने जो निगरबानी है उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, जहां दिखे वहां ठुको इनको, और कोई ह्यूमन राइट नहीं, जहां भी मौका मिले वहां सीधा एलिमिनेट करो, सीधा खत्म, कोई सरेंडर वरेंडर कुछ नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। आप कब तक सरेंडर कराओगे, तब कब तक समझाओगे? 30 साल हो गए समझाते हुए, अगर अब नहीं समझे तो आगे भी नहीं समझेंगे, और इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, इनका समूल नाश, जड़ से खात्मा, तभी ये लोग ठिकाने पाएंगे। क्योंकि ऐसे तो आप आइडियोलॉजी, आप कुछ लोग बात करते हैं नैरेटिव, बिल्कुल नैरेटिव होना चाहिए लेकिन उसमें समय लगता है, उसमें दिमाग लगता है, तो उसके लिए आपको एक लंबा टाइम चाहिए, लेकिन जब आप जड़ से खत्म करोगे ना तब उनमें डर भी होगा, डर होगा तो लोग उससे जुड़े भी, उससे जुड़ाव भी कम रखेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि जिंदगी तो आगे कुछ है नहीं, ये काम हमें करना है। अब बात आते हैं कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पूरे मसले के बाद बयान दिया इसराइल के समर्थन में और अपनी चिंता जताई, फिलिस्तीन के ऊपर कुछ नहीं बोला, बहुत गौर करने की वाली बात है, लोगों ने कहा कि क्या स्टेटमेंट दिया, भारत की पॉलिसी ऐसे कैसे जा रही है, क्या फिलिस्तीनियों के ह्यूमन राइट्स नहीं, हाँ नहीं है फिलिस्तीनियों के, क्या ह्यूमन राइट्स जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं क्या आप पाकिस्तानियों के ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, जिनके हिंदू, जिनके लिए जहर गुलाब हिंदुस्तान के लिए, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता इनके लिए, इनको जितना हो सके उतना लपेटो, ठीक है, तभी ये लोग सुधरेंगे, ऐसे ऐसे ये जहर जाएगा नहीं। तो और अगर हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करें तो हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, क्या हम फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को दे देगा, क्या हाफिज सईद हिंदुस्तान को दे देगा, क्या मौलाना मसूद अजहर को हिंदुस्तान को सौंप देगा? बिल्कुल नहीं, और हमें इसका ध्यान रखना है। फिलिस्तीन क्या देता है, क्या हमारा कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में शेयरिंग होती है, क्या कोई वेपन देता है, क्या हमारा ट्रेड है उसके साथ, क्या कोई कल्चरल लिंकेजेस है, कुछ नहीं। अगर हमें इस्लामिस्ट कंट्री के साथ रिश्ता बनाना है तो हम मलेशिया के साथ क्यों नहीं बने, सिंगापुर के साथ क्यों नहीं बने, इंडोनेशिया के साथ क्यों नहीं बने, जो इतने समृद्ध हैं, जहां ट्रेड बढ़ेगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी, पीसफुल कंट्री है। फिलिस्तीन के साथ बना के हम क्या करेंगे, जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं, क्या अगर हिंदुस्तान अगर हमास के सपोर्ट करेगा, फिलिस्तीन को सपोर्ट करेगा, तो फिर हम किस मुंह से लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद के साथ के अगेंस्ट में काम कर पाएंगे, हम किस मुंह से अपने उस एक्शन को जस्टिफाई कर पाएंगे जो हमने उड़ी में लिया, जो हमने पुलवामा के बाद किया बालाकोट में, इसराइल के साथ हिंदुस्तान का व्यापार $10 बिलियन है, फिलिस्तीन के साथ कितना है,
सोच के देखना, इसराइल हिंदुस्तान को वेपन देता है, एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी देता है। हमारे यहाँ थार के रेगिस्तान में जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो इसराइल की सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। जो हम एग्रीकल्चर में नई नई किस्में ला रहे हैं, खजूर की खेती कर रहे हैं, जो ऐसी फसलें ईजाद कर रहे हैं जो रेगिस्तान में जिसकी उपज हो सके, इसराइल की मदद से हो रहा है। फिलिस्तीन की मदद से क्या हो रहा है? इसराइल की खुफिया एजेंसी के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, सहयोग है, इंटेलिजेंस मिलता है। फिलिस्तीन से क्या मिलता है? क्या कभी फिलिस्तीनियों ने हिंदुस्तान के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसको रोकने में मदद की? कभी आपने किससे सुना है? ऐसे कभी नहीं सुने हमने। तो हम फिलिस्तीन के साथ रिश्ता बनाते क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमारे को, ये हमें सोचना है। हमारे को विदेश नीति केवल धर्म के आधार पर नहीं चलती है, विदेश नीति कई दृष्टिकोण से चलती है। अगर केवल धर्म के आधार पर चलानी है तो पाकिस्तान में जाकर चलाइए जो धर्म के आधार पर चला रहा है, और आप ये सोच के देखिए जिसकी विदेश नीति धर्म के आधार पर चल रही है उसका हाल क्या है। कितना बिलियन डॉलर है पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में? कितना? खाने का पैसा नहीं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी पूरी की पूरी विदेश नीति केवल मजहब के नाम पर टिकी हुई है। केवल इस्लाम के जो मौलाना है उनके ऊपर उनकी विदेश नीति चलती है। मुस्लिम कंट्री तो इंडोनेशिया भी है, क्यों नहीं वो अपनी विदेश नीति इस्लाम के ऊपर चलाता है? वो क्यों अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ? ये हमें समझने की जरूरत है, और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे जो दुश्मन है उनके साथ हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनके साथ क्या रुख होना चाहिए। क्योंकि आज जो इसराइल पे हुआ वो कल हिंदुस्तान के साथ भी हो सकता है। और हाल ही में जो एनएसजी के डीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी टेररिज्म को कैसे खत्म किया जाए और या जो टेररिज्म कैसे नए रूप में आ रहा है, उसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा था कि हिंदुस्तान को इसराइल जैसे हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि हमारे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो सुरक्षा संबंधी मामलों के जानकार हैं वो भी ये मान रहे हैं कि इस समय हिंदुस्तान भी इसराइल जैसी परिस्थितियां फेस कर रहा है, क्योंकि हमारे पश्चिम में एक ऐसा नादान पड़ोसी है जो फिलिस्तीन की तरह ही कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, पैसा देता है, फंडिंग करता है, तमाम तरीके की वो सुविधाएं देता है। इवन पाकिस्तानी फौज आपको पता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है। तो ऐसे में हमें भी अब तैयार रहना चाहिए। ये सबक हमें इस घटनाक्रम से मिलता है। हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि यदि इसराइल जैसा अटैक होता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब हिंदुस्तान पर अटैक हुआ है तब तब हिंदुस्तान में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। क्या आपने इसराइल में देखा? इस समय इसराइल में एक ही मत था कि इनको जितना जिस क्रूरता से, जिस बर्बरता से, जिस नृशंसता से हमास ने इसराइल पर अटैक किया उसका कई गुने ज्यादा बड़ा हमला हमास पे होना चाहिए। ये एक मत था इसराइल में यहूदियों का। हिंदुस्तान में क्या आपने देखा है? कभी हिंदुस्तान में आपने 10 बातें सुनी होंगी, जब उड़ी में हमला हुआ, जब पुलवामा में टेररिस्ट हमला हुआ और उसमें जितने शहीद हुए, आपने उसके बाद देखा होगा कई लोगों ने कहा कि अगर हिंदुस्तान अटैक करेगा तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सॉल्यूशन नहीं है? जिन्होंने हमारे नागरिकों की हत्या की, क्या हम उनके साथ बैठकर वार्ता कर सकते हैं? क्या आपके घर में अगर कोई बाहर का आदमी आके आपके किसी परिवारजन को हताहत कर दे, क्या आप उसके साथ बैठकर बातचीत करेंगे टेबल पे? कभी नहीं करेंगे। तो फिर पाकिस्तान के साथ हमें क्यों बातचीत करनी चाहिए? हमें 10 बार सोचना चाहिए। हमें क्यों नहीं इसराइल जैसा रेस्पॉन्स पाकिस्तान को भी करना चाहिए? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसके बारे में हमारे को एनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि जब खुदा न खास्ता हम फेल हो जाए, भगवान न करे हम कभी फेल हो, लेकिन जैसे इसराइल फेल हुआ, यदि हम 100 में से एक बार भी फेल हो जाए तो हमारा जवाब ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन की आने वाली पीढ़ियां हजारों हजारों वर्षों तक उसको याद रखे और अगला कांड करने से पहले वो थर थर कांपे। ऐसा जवाब हमें देने की तैयारी करनी चाहिए। और ये जो भी लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कल्चरल एंगेजमेंट होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ये सारे के सारे खत्म करने चाहिए, तभी जो हिंदुस्तान का दुश्मन है उसको अकल आएगी कि हिंदुस्तान अब पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि जब तक ऐसी बातें रहेंगी बातचीत करने की,
तब तक जो दुश्मन देश है इसका फायदा उठाएगा और अपनी हरकतों को अंजाम देता रहेगा। अब आते हैं तुर्की। ये तुर्की क्यों इतना बौखलाया हुआ है? तुर्की आपको पता है कि ओटोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा पूर्व था, और जैसे ये अटैक हुआ है तुर्की वाले लोग कह रहे हैं कि हमारी फौजें भेज देनी चाहिए। 10 बार सोच लेना, इसराइल है, 6 दिन में लड़ाई खत्म कर दी थी, और उस लड़ाई में आप ये देखिएगा कि जिस टैक्टिक के साथ ये लड़े थे, जो गुरिल्ला वॉरफेयर ये करते हैं ना, ये हमास वाले, इजरायली फोर्स इतनी पावरफुल है कि ये चाहे कहीं भी छिप जाए इनको मार देंगे। और जो ये तुर्की वाले, इनको एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद तुम्हारा साम्राज्य खत्म हुआ था, ठीक है, उस समय इसराइलियों के साथ हिंदुस्तानी भी लड़े थे, जोधपुर के सैनिक थे दलपत सिंह जी, कमांडर थे उस समय, और यहां से ब्रिटिश फौज के साथ गए थे और तुर्कियों को खत्म कर दिया था, भगा दिया था वहां से, ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया था। तो इस समय हिंदुस्तान का जो सपोर्ट है जिस तरीके से रहा है, उसके बाद आप ये देखिएगा हमारे पास रूस है और इसराइल है, और ये दो ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान को हर समय सपोर्ट करते हैं। हमारे को ये कई लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, ईरान क्या दोगलाबंदी नहीं करता? ईरान चीन को चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करा रहा है, हमारा दुश्मन है। अगर ईरान हमारा इतना ही सपोर्टर है तो चीन को क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्यों आने दे रहा है हिंद महासागर में? अगर ईरान इतना ही सपोर्ट करता है तो वो क्यों इस हमास नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्ला नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्यों सपोर्ट कर रहा है अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए, जब उसको पता है कि हिंदुस्तान टेररिज्म का विरोधी है और टेररिज्म अच्छा नहीं है, तो ईरान किस लिए टेररिज्म को बढ़ावा देगा? अब आप ये देख लीजिए, जितने भी ये कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया के, पाकिस्तान, ये जो तालिबान है, ये सारे के सारे एक ही आइडियोलॉजी है। बेशक इसराइल हमारे को दे रहा है ऑयल वगैरह, लेकिन हिंदुस्तान अब ऑयल पर निर्भर नहीं है, हिंदुस्तान सोलर भी बना रहा है, हिंदुस्तान विंड एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो और हिंदुस्तान अलग अलग अब ऑयल मार्केट से भी ऑयल परचेज कर रहा है, तो केवल इसराइल के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। और यदि इसराइल इस समय सिर्फ इस वजह से हमारे लिए नाराज होता है कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसराइल की मर्जी देख लें, क्योंकि यदि अमेरिका हमें नहीं झुका पाया तो इसराइल भी हमें नहीं झुका पाया, ईरान भी हमें नहीं झुका पाएगा। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो 1990 के समय था। इस समय हिंदुस्तान की इकोनॉमी टॉप 5 की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आए हैं, और वो भी मात्र 10 साल में। हमारे पास वो रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। हमारे पास वर्क फोर्स है, टैलेंटेड वर्क फोर्स है, जिसको दुनिया अपने पास लाना चाहती है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। हमारे पास इस समय, आप ये देखिए हम स्पेस में कहां पहुंच गए, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पेस टेक्नोलॉजी है, हम मेक इन इंडिया के तहत अपना डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेपन को। एक जमाने में हिंदुस्तान सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज हम वेपन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की काबिलियत बढ़ी है, हिंदुस्तान के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है, हिंदुस्तान की राजनीतिक पैठ बढ़ी है, जिस तरीके से हमने G20 का सफल आयोजन किया, अफ्रीकन यूनियन को हमने राजनीतिक आवाज दी पूरे विश्व स्तर पर, राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो ये 21वीं सदी का नया हिंदुस्तान है, जिसकी ताकत को हमें समझने की जरूरत है, और जो गलत नैरेटिव है, जो गलत भ्रामक बातें हमारे समाज में फैली हुई है, उसको अब निकाल कर फेंकने की आवश्यकता है, तभी हम ये जो कहते हैं ना कि डिले में हो गया, दुविधा हो गई, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग हो रही है, कोई दुविधा नहीं है, हम स्टैंड लेंगे, इसराइल के पक्ष में स्टैंड लेंगे और बहुत मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, जिस तरीके से हम रूस के साथ खड़े थे डंके की चोट पे, हम इसराइल के साथ भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इसराइल सही इलाज कर रहा है, हमास ने गलत किया है और उसका जवाब
दुगुनी तिगुनी चौगुनी ताकत से इसराइल को देना चाहिए, और जब भी हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा कोई आक्रमण होगा आने वाले समय में, हम भी उसका जवाब उसी